नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन पढ़ाई चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जीके के कुछ बहुत ही बेहतरीन सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला प्रश्न है, भारतीय संसद के संघटक कौन कौन हैं? इसका सही जवाब है, भारतीय संसद के संघटक राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा है। दूसरा प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? इसका सही जवाब है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। तीसरा प्रश्न है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका सही जवाब है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। चौथा प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान है? इसका सही जवाब है, अनुच्छेद 352 में। पांचवा प्रश्न है, भारत में संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? इसका सही जवाब है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। छठा प्रश्न है, हाल ही में किसे टाटा संस के नए अध्यक्ष पद पर पुनः नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है, एन चंद्रशेखरन को। सातवां प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा किसान भागीदारी प्राथमिक हमारी अभियान की शुरुआत की गई है? इसका सही जवाब है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। आठवां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किसे चैंपियन ऑफ द अर्थ की उपाधि दी है? इसका सही जवाब है, ब्रिटिश इतिहासकार और पर्यावरणविद डेविड एटनबरो को। नवा प्रश्न है, हाल ही में पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में किसने भाग लिया है? इसका सही जवाब है, भारत ने। दसवां प्रश्न है, दुनिया के किस शहर में 2.5 महीने का एक दिन होता है? इसका सही जवाब है, नॉर्वे के हम्मरफेस्ट शहर में। दोस्तों उत्तरी ध्रुव के नजदीक होने के कारण यहां 14 मई से 31 जुलाई तक सूर्यास्त नहीं होता है, यानी लगातार 79 दिनों तक यहां दिन रहता है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको यह सवाल जवाब कैसा लगा इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।